इधर रायपुर में कांग्रेस विधायकों को सीएम भूपेश ने नसीहत दी है। कांग्रेस विधायकों के परफॉर्मेंस पर सीएम भूपेश ने कहा कि विधायकों को आत्ममंथन की जरूरत है, अभी समय है, विधायक अपनी स्थिति को सुधार सकते हैं, अपने कार्य व्यवहार के माध्यम से अपनी स्थिति सुधार सकते हैं विधायक, उनके पास अब भी समय है। सर्वे कराया गया है, उसमें बहुत सारी जानकारी प्राप्त हुई है और सब पर आने वाले दिनों में कार्यवाही भी की जाएगी। लगातार समीक्षा करने की आवश्यकता है और उसमें आत्मावलोकन करने की भी आवश्यकता है और अभी समय है, अपनी स्थिति को सुधार भी सकते हैं और अपने कार्य के माध्यम से, व्यवहार के माध्यम से जो स्थिति है उसे बदल भी सकते हैं। सर्वे हुआ है, सर्वे में फीडबैक जो मिला उसके हिसाब से आगे कार्रवाई करेंगे। बता दें कि विधायकों को आत्ममंथन की जरूरत है, ये बात मुख्यमंत्री ने कही, साथ ही कहा कि लगातार संगठन की समीक्षा भी कर रहे हैं और संगठन को भी समीक्षा करने की जरूरत है। योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है या नहीं, जनता से संपर्क बन रहा है या नहीं, तमाम विषयों पर विधायकों को सोचना चाहिए, आत्ममंथन करना चाहिए। चलिए इस खबर पर हमारे साथ विशेष संवाददाता मोहन तिवारी लाइव जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मोहन, हमने देखा जिस तरह से सीएम भूपेश बघेल एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के दौरे कर रहे हैं, अब उन्होंने विधायकों को भी नसीहत दे दी है। उनका कहना है विधायकों को आत्ममंथन की जरूरत है और अभी उनके पास पर्याप्त समय भी है। देखिए, जैसे कि बंसल न्यूज़ ने पहले ही इस बात का खुलासा किया था कि सरकार लगातार अपने विधायकों का सर्वेक्षण करा रही है। 3 चरण के सर्वेक्षण हो चुके हैं और अब क्योंकि ये रिपोर्ट जो है कल की समन्वय समिति यानी कांग्रेस की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में आई, इसलिए बातें खुलकर सामने आ गई हैं कि ये जो रिपोर्ट है वो किस तरीके की है और ये 3रे चरण की जो रिपोर्ट है विधायकों की, उसमें किस बात पर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। और इसीलिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज इस बात को दोहराया है, क्योंकि विधायकों के कामकाज की रिपोर्ट, उनके विधानसभा में उनकी जो लोकप्रियता है उसकी रिपोर्ट और सरकार की स्थिति की रिपोर्ट आ चुकी है। ऐसे में विधायकों को अपने अपने क्षेत्रों में जहां पर काम करने की ज़रूरत है उनको उनकी जानकारी दे दी गई है। ऐसे में इस रिपोर्ट के आधार पर आत्ममंथन करते हुए विधायकों को काम करने की ज़रूरत है, खास तौर पर जो सरकार के अच्छे काम हैं उन्हें लेकर वो जनता के बीच जाए और कैसे अपनी स्थिति को मजबूत करे। ये स्थिति साफ हो चुकी है और इसीलिए मुख्यमंत्री इस बात को दोहराते हुए विधायकों को नसीहत देते हुए एक तरीके से आज दिखाई दिए हैं और उन्होंने साफ लफ्ज़ों में इस बात को दोहराया है कि जिन विधायकों की रिपोर्ट ख़राब है, जिनको कहा गया है कि वो अपने क्षेत्र में मेहनत करें, वो इस बात को गंभीरता से लें, आत्ममंथन करें कि उनके क्षेत्र में क्या महत्वपूर्ण काम हो सकते हैं, कहां पर उनकी कमजोरी है, किन क्षेत्रों में ध्यान देने की ज़रूरत है। एक क्योंकि ये काफ़ी विस्तृत रिपोर्ट है, हर आयाम से एक विधानसभा में किसी विधायक को जीतने के लिए क्या प्रमुख पॉजिटिव फैक्टर चाहिए उसको बताने वाली ये रिपोर्ट है, जो कि अब 3 चरण में विधायकों के पास आ चुकी है कि पहले 3 महीने में उनकी क्या स्थिति थी, दूसरे 3 महीने में क्या स्थिति थी और आज की स्थिति क्या है। ऐसे में उसमें सुधार की ज़रूरत अभी भी बनी हुई है, चुनाव में 1.5 साल से अधिक का समय है, इसलिए मुख्यमंत्री इस बात को नसीहत के रूप में विधायकों को बताना चाह रहे हैं कि ऐसे समय में जब चीज़ों को सुधारा जा सकता है, स्थितियों को संभाला जा सकता है और सरकार के बेहतर कामकाज को लेकर जनता के बीच जाया जा सकता है, तो उन सब कामों को विधायक करें तो स्थितियां सुधरेंगी। लेकिन इस बात से, इस पूरे बयान से या कहें जो रिपोर्टें सामने आ रही हैं अपुष्ट सूत्रों के द्वारा जो जानकारी आ रही है उससे एक बात साफ है कि ज़्यादातर विधायकों को स्थिति में सुधार करने के लिए कहा गया है और उनको इस बात की जानकारी है, तो उन सब सेक्टरों पर अब काम करने की ज़रूरत बनी हुई है और इसीलिए मुख्यमंत्री को सार्वजनिक तौर पर रिपोर्ट की बात को बोलना पड़ा है और विधायकों को नसीहत देनी पड़ी है। जी बिल्कुल मोहन, धन्यवाद आपका तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए, विधायकों का सर्वेक्षण हुआ और उसके बाद ये जानकारी साझा की गई है। सीएम भूपेश बघेल ने ये बात कही है कि विधायकों की जो रिपोर्ट है वो आ चुकी है और अब जिन विधायकों के काम को और भी ज्यादा उन्हें बढ़ाना है उनको नसीहत भी उन्होंने दी है और ये कहा है कि अभी समय है, विधायक अपनी स्थिति सुधार ले और अपने क्षेत्र में और मेहनत करें।